दोस्तों, 50 साल का ससुर अपनी जवान बहू के साथ उसे घोड़ी बनाकर अच्छे से बजा रहा था। तभी उसके बड़े बेटे ने देख लिया और फिर अचानक उसके पैजामे में उसका पप्पू नहा धोकर खड़ा हो गया। और फिर एक दिन जेठ ने भी बहू के पीछे वाले दरवाजे से एंट्री मार दिया। जब जेठ ने पीछे वाले दरवाजे से एंट्री मारा तो बहू एकदम से तिलमिला गई और फिर उसे पसीने आने लगे। दोस्तों, जेठ ने सोचा पिताजी तो पहले से आगे वाली दरवाजे से एंट्री मार रहे हैं, तो क्यों ना मैं पीछे वाले दरवाजे से एंट्री मार लूं। जेठ ने सोचा मुझे मजा भी बहुत आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, चैनल पे 100 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपका प्यार मिलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। दोस्तों, चढ़ती जवानी और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी बिहार के सिवान जिले से सामने आ रही है, जहाँ पर एक औरत के पति की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी और वो औरत विधवा हो चुकी थी और फिर अपने मायके जाना चाहती थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था तो अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन फिर उसके ससुर ने समझाया कि अगर बहू तुम मेरा घर छोड़कर अपने मायके चली जाओगी तो फिर गांव में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, लोग मुझे क्या बोलेंगे। ससुर ने अपने बहू से कहा कि बहू तुम यहीं पर रह जाओ, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है। बहू भी ससुर की बात मान गई और धीरे धीरे दिन बीत गए और बहू अपने पति के मौत के सदमे को भूल गई और अच्छे से अपने घर में रहने लगी। दोस्तों, बहुत दिन हो गया, बहू जवान थी, उसकी जवानी उफान मार रही थी और जब ससुर अपनी जवान बहू को देखता था तो उसके ऊपर उसकी नीयत खराब हो जाती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, बहू अपने बाथरूम में नहा रही थी, जब ससुर ने अपनी बहू को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो उसका मन करने लगा और फिर ससुर बाथरूम में जाकर अपनी बहू को पीछे से पकड़ लिया और फिर उसके साथ 61-62 वाला गेम खेलने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, बहू ने ससुर के इस हरकत का विरोध किया, लेकिन ससुर का पकड़ इतना मजबूत था कि बहू अपने ससुर से अपने आप को नहीं छुड़ा पाई और फिर ससुर ने जबरदस्त तरीके से बहू को ठोकना शुरू कर दिया। पति की मौत को हुए लगभग 3 साल बीत गए थे तो बहू को भी 61-62 करवाने में बहुत मजा आ रहा था। दोस्तों, ससुर तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस वाला था, 61-62 करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उसको। ससुर के परफॉर्मेंस को देख कर वो भी खुश हो गई और अपने 50 साल के ससुर के साथ मजे लेने लगी। दोस्तों, इसी तरह से हर एक दिन ससुर और बहू अपने अंदर के भड़क रहे ज्वाला को शांत करने लगे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है, जब रात के 12 बज रहे थे, ससुर अपनी विधवा बहू को अच्छी तरीके से बजा रहा था और इतनी जोर जोर से बजा रहा था कि उसके बजाने का जो आवाज था बगल में लेटे बहू के जेठ के कानों तक पहुंच गई और उसकी नींद टूट गई। और फिर जब जेठ टॉयलेट करने के लिए उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा, तभी उसने अपने बाप के कमरे में तबला बजाने की आवाज सुनाई दिया। जब जेठ ने पिताजी के रूम में जाकर देखा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जेठ ने देखा कि उसका 50 साल का बाप उसकी जवान विधवा बहू को आगे के रास्ते से जबरदस्त ठुकाई कर रहा था और उसकी विधवा बहू भी अपने 50 साल के बूढ़े ससुर को उछल उछल के मजे दे रही थी। उसी दिन से जेठ भी अपनी बहू को ठोकने के बारे में सोचने लगा और वो एक ऐसा दिन खोजने लगा जिस दिन उसका पिता उसके घर ना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, ससुर किसी काम से बाहर गया हुआ था तो जेठ जल्दी ही घर वापस आ गया और जब वो घर आया तो उसने अपनी बहू को पकड़कर अपने कमरे में ले जाना चाहा और फिर उसकी बहू ने इसका एतराज किया तो उसने कहा, तुम रोज रात को पिताजी के साथ जो गेम खेलती हो मैं वो रोज देखता हूँ और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और मुझे अपना गेम नहीं बजवाने दोगी तो मैं तुम्हारे इस कारनामे का एक खुलासा पूरे गांव में कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। दोस्तों, बहू भी डर गई कि कहीं अगर इसने पूरे गांव में मेरी बदनामी करवा दी तो फिर पूरे गांव में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और फिर दोस्तों, बहू भी अपने जेठ के साथ 61-62 करने के लिए राजी हो गई। जब बहू पूरे कपड़े उतारकर अपनी जेठ के बिस्तर पर लेट गई तो जेठ ने कहा, तुम्हारे आगे वाले गेट से एंट्री नहीं मारूंगा क्योंकि उसमें पिताजी रोज एंट्री मारते हैं तो उसमें मजा कम आएगा, मैं तुम्हारे पीछे वाले गेट से एंट्री मारना चाहता हूँ। पहले तो बहू ने मना किया लेकिन फिर बहू ने जेठ की बात मान ली और फिर जेठ ने अपने पप्पू को खड़ा किया और फिर बहू के पीछे वाले गेट से एंट्री मार दिया। उसके जेठ ने एंट्री मारा तो बहू को एकदम करंट सा लग गया और फिर वो एकदम बेहोश हो गई क्योंकि पहली बार उसके पीछे वाले रास्ते से किसी ने एंट्री मारा था। दोस्तों, कुछ देर तक बहू को दर्द होता रहा लेकिन धीरे धीरे दर्द शांत हो गया तो वो भी मजा लेने लगी। दोस्तों, ससुर और जेठ दोनों मिलकर विधवा बहू को इस तरह से बजा रहे थे कि विधवा बहू की जवानी एकदम खिलखिला उठी थी। रात को अपने ससुर को आगे से रास्ते से करवाती थी और दिन के दोपहर में विधवा बहू अपने जेठ को पीछे वाले गेट से एंट्री करवा लेती थी। आए दिन जेठ की हरकतें इतने आगे बढ़ गई कि विधवा बहू अपने जेठ से परेशान हो गई
और फिर उसने जेठ के द्वारा किया गया सारा काम अपने ससुर को बता दिया और फिर उसके ससुर ने चालाकी दिखाते हुए अपनी बहू को लेकर सीधे थाने चला गया और फिर जेठ के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया। जब केस दर्ज हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने बहू के साथ बलात्कार करने के जुर्म में जेठ को गिरफ्तार किया और उसे आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। और उसके बाद दोस्तों ससुर और बहू मजे से पूरी जिंदगी इंजॉय करने लगे। तो देखा आपने दोस्तों, ज्यादा मजा लेने के चक्कर में जेठ पीछे वाले गेट से एंट्री मार गया और जब ये कारनामा उसका ज्यादा बढ़ गया तो उसकी विधवा बहू को ये पसंद नहीं आया और बहू ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया और फिर जेठ को जेल करवा दिया। तो दोस्तों आप लोग भी 2 मिनट के मजे लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें और ऐसी आपराधिक मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं और जो समाज में ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं उनकी पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।